बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आमना इकबाली सीर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज ऑफ शेल। शेल को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, किस एंगल से यूज करते हैं। अभी तक तो हमें शेल का एक ही यूज पता है कि हम शेल को मोस्टली यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। जहां पे भी फ्यूचर की बात आती है तो हमें विल और शेल नजर आता है, ठीक है। लेकिन आज हम शेल का यूज करेंगे एक फ्यूचर टेंस के अलावा। फ्यूचर टेंस में तो यूज करते हैं, इसके अलावा हम इनको किस किस एंगल से यूज करते हैं और किस तरह से यूज करके अपनी राइटिंग को और स्पीकिंग पावर को वो है जो मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वन इज यूज ऑफ शेल। तो शेल जो है हमने इसको कहाँ पे यूज करना, वी ऑल नो दैट दीज आर द मॉडल वर्ब्स हैं। तो लेकिन अब हमने इसको कहाँ पे यूज करना, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन जो इसका यूज है, हम शेल को यूज करते हैं, हम सब उसके बारे में जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हम क्या करते हैं, शेल का यूज करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्लियर। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, जहां पे भी शेल आएगा तो शेल के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। शेल के साथ हम हमेशा यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई इसमें इसके साथ हम एस या ई एस या आई एन जी कुछ भी यूज नहीं करते। तो सिंपल जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, शेल के साथ हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम इसके नेगेटिव से स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेगेटिव से स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं, नेगेटिव से स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे शेल नॉट, ठीक है। शेल नॉट और इंट्रोगेटिव में ऑल यू नो डेट कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है तो उससे हम सेंटेंस का स्टार्ट लेते हैं और फिर हम सब्जेक्ट राइट करते हैं। तो अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनेट के अलावा हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, जो इसके नंबर टू बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, जब हमने किसी चीज को किसी चीज पे स्ट्रेस देना होता है। तो मोस्टली हम तब यूज करते हैं जब स्ट्रेस देना होता है, तो हम विल की जगह हम क्या यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। इसका बहुत रेयर केसेस में यूज होते हैं, अब प्रेजेंट बहुत रेयर केसेस में हम इसका यूज करते हैं। तो जहां पे भी वैसे में मोस्टली ये पता है, जहां पे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। इसके अलावा इसके जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं किसी चीज को, हम फोकस कर रहे हैं उस पर, स्ट्रेस दे रहे हैं, तब हमने क्या करना है, तब हमने विल की जगह हमने वहां पे भी शेल यूज करना है। इट मीन्स जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम आई, जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम जैसे ही विल दे विल यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पे शेल भी यूज कर सकते हैं। जब हमें किसी चीज पे स्ट्रेस देना होता है तो हम क्या, विल की जगह शेल और शेल की जगह विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्ट्रेस देना हो किसी चीज को, ठीक है, फॉर गिविंग स्ट्रेस। जब आपने स्ट्रेस देना होता है तो तब भी हम क्या करते हैं, शेल का यूज करते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट इसका यूज क्या है, थर्डली हम इसको यूज करेंगे जब हमने किसी चीज की ऑफर करनी हो, किसी चीज जब हमने किसी को कुछ ऑफर करना हो तो ऑफर करने के लिए शेल यू कम हियर प्लीज या कैन, तो हम इस सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, हम शेल का ही यूज करेंगे। अगर हम किसी चीज को ऑफर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तो, या हमें कोई ऑफर कर रहा है, तो इस सेंस के लिए भी हम शेल का यूज करते हैं। तो नंबर इसका जो थ्री इंपॉर्टेंट यूज है, गिव एंड गेट ऑफर, ठीक है, टू गिव एंड गेट ऑफर। अब हम बात करते हैं नंबर फोर पे। अब हमने थ्री यूजेज कर लिए इसके, अब नेक्स्ट इसके अलावा फोर्थ नंबर पे हम इसको शेल को कब यूज करते हैं, हम शेल को यूज करते हैं जब हम किसी को सजेशन कर रहे होते हैं, जब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि, या हम किसी चीज को ऑफर भी, इसमें ऑफर का तो हो गया, इसके अलावा भी एक होते हैं, हम किसी चीज को या कोई मशवरा दे रहे हैं या ले रहे होते हैं, तो फिर हम इस सेंस में भी शेल का यूज करेंगे, ठीक है,
फोर्थ पे आ गया इसका इंपॉर्टेंट यूज, सजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। आप किसी चीज सजेशन के लिए भी कह सकते हैं कि अगर कोई चीज किसी को रिकमेंड करें तो इस सेंस में भी आप क्या यूज करेंगे, यूज ऑफ शेल यूज करेंगे। अब हम इसके अगर फिफ्थ यूज की बात करते हैं तो हम फिफ्थ नंबर पे हम यूज करते हैं शेल का, कब यूज करते हैं हम यूज करेंगे अगर हमने करेक्टनेस की बात करनी है, किसी चीज को हम करेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं उसको करेक्ट कर रहे हैं या कोई चीज कंफर्म कर रहे हैं, जब किसी चीज को हम रिलाई करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं उसको बिल्कुल फिक्स करते हैं जब करेक्टनेस के सेंस में, तो हम इस सेंस में भी हम शेल का यूज करते हैं। ठीक है, किसी चीज को हम जब हम आउट ऑफ मिस्टेक उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं या उस पर अथोराइज किसी चीज को करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। तो आप इसको या तो अथोराइज राइट कर सकते हैं अदरवाइज आप करेक्टनेस का भी यूज कर सकते हैं। तो फिफ्थ पे हम यूज करते हैं नंबर फिफ्थ जो इसका इंपॉर्टेंट यूज होगा करेक्टनेस के लिए। अब करेक्टनेस किस सेंस में यूज होती है, ठीक है, करेक्टनेस के सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। तो फाइव यूज हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं सिक्स यूज की, हम सिक्स लिए क्या यूज करते हैं, सिक्स नंबर पे हम शेल का यूज तब करते हैं जब हमने किसी चीज को इंस्ट्रक्ट करना होता है। अगर हम किसी चीज को कह रहे हैं कि नहीं आप इस तरह से नहीं ऐसे करें या आप ये इतना सिलेबस है आपने इसको इस तरह से अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को किसी चीज को कैसे कवर करना है, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उस सेंस में भी हम क्या यूज करेंगे, शेल का यूज करेंगे। ठीक है, टू गिव इंस्ट्रक्शन, टू गिव इंस्ट्रक्शन, क्लियर। इंस्ट्रक्शंस की जब हम बात करते हैं तो तब भी हम क्या करते हैं, शेल का यूज करते हैं। एक और यूज भी है इसके अलावा भी, सेवंथ। आप सोचेंगे तो हमें तो इसका एक ही यूज पता है, या इसका एक तो ये बहुत सारे यूज है, ये हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं लेकिन हमें क्लियर नहीं होता, बस हम इसको इन सब हेडिंग्स को हम एक ही हेडिंग का नाम दे देते हैं कि जहां पे शेल लगेगा इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस। लेकिन इसके अलावा भी उसके बहुत से यूजेज है, ये हमारी राइटिंग्स को छोटे छोटे पॉइंट्स जो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं, इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं। तो हमने पास्ट फ्यूचर टेंस की तो बात की है, इसके अलावा अगर हम सेवंथ की बात करते हैं तो हम इसको कब यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे अगर हमने किसी से कुछ प्रोमिस किया है, प्रोमिस करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम शेल का यूज करते हैं। प्रोमिस, आप यहाँ पे प्रॉमिस राइट कर ले, प्रॉमिस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, क्लियर। और इसके अलावा जब हमने प्रॉमिस की बात कर लिया, प्रॉमिस के अलावा एक और पॉइंट है, अगर हमने जब किसी चीज को हमने कंफर्म करना होता है, आप इसको अलग से भी राइट कर सकते हैं, अगर हमने किसी चीज को कंफर्मेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कंफर्म करना होता है जब हमने किसी चीज को, तो तब भी हम क्या यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। ठीक है, हम किसी चीज को कंफर्म कर रहे हैं तो तब भी हम क्या यूज करेंगे, यूज ऑफ शेल का यूज करेंगे। अब इसके अलावा हमने कौन कौन से यूजेज कर ली हैं, करेक्टनेस की बात हो गई, इंस्ट्रक्शंस की बात हो गई, प्रोमिसेस में यूज करते हैं जब हमने किसी चीज को कंफर्म करना होता है तब भी हम इसका यूज करते हैं, सजेशन में देने के लिए भी यूज करते हैं, टू गिव एंड गेट ऑफर, अगर हमने किसी चीज को ऑफर कर रहे हैं किसी को या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इस सेंस में भी हम शेल का यूज करते हैं, फॉर गिविंग स्ट्रेस जब हमने किसी बात पे जोर देना होता है तब भी हम इसका शेल का यूज करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या इसका मोस्टली टेंसेस में यूज करते हैं, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, इसी के अकॉर्डिंग अब हम इनकी इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको प्रैक्टिस करते हैं, इनको कंफर्म करते हैं कि हमें आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें किस तरह से यूज में आती हैं। फर्स्ट वन इसकी एग्जाम्पल है, आई शैल मीट यू देयर एट 3 AM। ठीक है, आई शैल मीट यू देयर एट 3 AM, तो ये क्या है, ये कंफर्म कर रहे हैं कि मैं इतने बजे आपको यहाँ पे मिलूंगा, तो यहाँ पे बात आ रही है कंफर्मेशन की।
कंफर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आई शैल लेट यू नो सून, मैं जल्द ही आपको अपने सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये किसकी बात हो रही है, ये यहाँ पे प्रोमिस कर रहे, ठीक है, कि मैं जल्द सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो प्रोमिस के लिए यूज हुआ है। सेकेंड, शैल आई गेट अ पिज्जा फॉर डिनर, क्या हम डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इसको सजेस्ट कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो डिनर में पिज्जा भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये यूज हुआ है फॉर सजेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट है, व्हाट शैल आई डू विथ योर नोट्स, मैं आपके नोट्स के साथ क्या करूं। इट्स मीन हियर समवन इज डिमांडिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, उसको नोट्स तो मिल गए हैं, अब वो इंस्ट्रक्शन मांग रहा है। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हमने देने के लिए या लेने के लिए क्या यूज करना है, शैल का यूज करना है। तो यहाँ पे यूज हुआ है फॉर इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट है, शैल आई डू योर हेल्प, क्या मैं हेल्प आपकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे देखें आई और शैल, आई के साथ क्या शैल का यूज हुआ है। जो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उससे हम सेंटेंस का स्टार्ट लेते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज हुआ है, और फिर मेन वर्ब। क्लियर। यहाँ पे भी वर्ब यूज हुआ है, ये आप मेन वर्ब है, वो सिंपल वर्ब है। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा जो हुआ है हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और आई सब्जेक्ट। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, और एट द एंड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं। शैल आई डू योर हेल्प, तो यहाँ पे वो उसको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अब इस तरह के और सेंटेंसेस देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें अच्छे से हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, उनमें उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। तो नेक्स्ट है, यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, आप वो पहले शख्स होंगे जिसको मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता होगा, जिसको मैं सबसे पहले बताऊंगा। यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, प्रोमिस की बात कर रहा है कि आपसे पहले मैं ये अपनी जो बातें हैं वो किसी को भी नहीं बताऊंगा। क्लियर। तो यहाँ पे यूज हुआ है शैल एज अ प्रोमिस। अब नेक्स्ट है कि दैट बैग लुक्स हैवी, शैल आई कैरी इट फॉर यू, बैग बहुत हैवी है, क्या मैं आपकी हेल्प करने के लिए इसको कैरी कर सकता हूँ। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, ये उसको ऑफर कर रहा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशन के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है, आई शैल मेक द अरेंजमेंट फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजाम करूंगा। अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, आई शैल मेक द अरेंजमेंट फॉर यू, तो यहाँ पे वो कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्मेशन की बात है कि मैं आपकी अरेंजमेंट्स जो है वो मैं करूंगा। अगर वो कहते हैं शैल आई मेक द अरेंजमेंट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए अरेंजमेंट कर सकता हूँ, ये इंतजाम कर सकता हूँ, तो ये फिर ऑफर के सेंस में चले जाता है। उसने कन्फर्म किया कि आप जितने भी अरेंजमेंट है आई विल या आई शैल डू इट। नेक्स्ट है, शैल वी नॉट गो नाउ, क्या अभी हमें नहीं चलना चाहिए। तो ये भी एक तरह से सजेशन है, अगर अभी हमें चलना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे शैल यूज हुआ है सजेशन के लिए। क्लियर। तो ये थे शैल के डिफरेंट एंगल से यूसेज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ भी आई होगी। अब आप देखिए कि अब सिर्फ जो शैल है बहुत ज्यादा हर चीज, जाहिर सी बात है हर चीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है हर चीज में। तो आप जो शैल का यूज है ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अलावा भी बहुत सी जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट्स को आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, और इसी तरह एग्जांपल्स, अगर आप शैल से रेलिवेंट जितने भी सेंटेंस देखें तो आप उसको जज करने की ट्राई करें कि ये यहाँ पे किस एंगल से यूज हुआ है, एज अ सजेशन या एज अ इंस्ट्रक्शन या एज अ कन्फर्मेशन, वो किस तरह से यूज हुआ है। इस तरह आप लोगों के लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।